अगर आपको किसी वेबसाइट के जरिए कोई दोस्ती और चैटिंग के नाम पर ईमेल भेजता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी भी ईमेल के चक्कर में पड़ेंगे तो किसी जालसाजी का शिकार हो जाएंगे। ऐसे एक खबर आपको दिखाएंगे जिसका पर्दाफाश गाजियाबाद पुलिस ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। आपके फोन पर आया एक ईमेल और एक मैसेज आपको किसी बड़ी साजिश का शिकार बना सकता है, पर ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि हकीकत है। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा करने वाले एक गैंग की महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की कस्टडी में पर्दे से अपने चेहरे को ढके हुए इन महिलाओं को छोटा मोटा अपराधी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इनके पर्दे के पीछे की कहानी बेहद खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है इनके इरादे, क्योंकि ये पुरुषों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी और ब्लैकमेलिंग के लिए ईमेल का इस्तेमाल भी करती थी। आपको बता दें, ये वेबसाइट के जरिए लोगों को दोस्ती और चैट करने के लिए ईमेल भेजती थी। इसके बाद जब कोई उस ईमेल पर रिप्लाई करता था तो महिलाएं उसके संपर्क में आकर उससे बातचीत करना शुरू कर देती थी। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लाइव वीडियो चैट के दौरान आपत्तिजनक हालत में स्क्रीनशॉट ले लेती थी और इसके बाद शुरू होता था इनका असली खेल। स्क्रीनशॉट वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर ये लोगों को ब्लैकमेल करती थी, उनसे पैसे ऐंठती थी और ये सब करने के लिए इस गैंग ने अपने मोबाइल से वेबकैम को जोड़ते हुए पूरा सेटअप तैयार कर रखा था, जिससे वेबसाइट पर आने वाले शख्स को फंसा कर उसका वीडियो बनाया जाता था। साथ में बताया है कि ये लगभग साल भर से काम कर रही है। इनकी उम्र, दो युवतियों की उम्र 19 साल है और इसमें से एक युवती की उम्र 26 वर्ष है। बाकी इसमें दो लोग को अभी पकड़ना बाकी है, जिसमें कि एक पुरुष भी है जो कि इस गैंग को चला रहे थे। इसमें ये लोग इनको आईडी बना के दिया करते थे और ये स्नैपचैट जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये क्लाइंट से बात करा करती थी, उनका फ़ोन नंबर शेयर कर लिया करती थी और बाद में उनको व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे बातचीत करके उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी और उसके बाद उनसे बात करके इसमें पैसे, इनकी मोटी धनराशि वसूला करती। इनके पास से हमको लैपटॉप, वेबकैम्स, मोबाइल फोन्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि और राउटर बरामद हुआ है। इस गैंग का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब गाजियाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में नंदग्राम, कवि नगर और विजय नगर की महिलाओं को अरेस्ट किया है। वहीं एक इस गैंग से जुड़ी एक महिला और गैंग से जुड़ा आकाश नाम का शख्स अभी तक फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस को इन महिलाओं के मोबाइल से कई पुरुषों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जिनके जरिए ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ब्लैकमेलिंग करने वाले इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाशी की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।